कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के मंडल अध्यक्ष हरीश भूषण के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। उन्होंने बताया कि 6 मार्च को जिला मथुरा में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के कुछ कार्यकर्ता व पदाधिकारी जिलाधिकारी से मिले थे। उन्होंने बताया कि ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी, लिहाजा किसानों को उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की थी, लेकिन मथुरा जिलाधिकारी ने उल्टा तानाशाही का रवैया अपनाते हुए किसानों पर ही झूठे मुकदमे लगवा दिए। लिहाजा वे ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं कि जिलाधिकारी मथुरा को तत्काल बर्खास्त किया जाए। किसानों के साथ किए गए दुर्व्यवहार पर जिलाधिकारी मथुरा माफी मांगे, किसानों पर लगाए गए झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं, किसानों की फसल का उचित मुआवजा किसानों को दिया जाए, किसानों का पूरा कर्ज माफ हो, किसानों को 20 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जाए, वो भी सस्ते मूल्यों पर, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे 18 मार्च को प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप के नेतृत्व में भानु गुट के सिपाहियों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद मथुरा जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा। ये हमारी मांग जो थी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे जो पदाधिकारी थे मथुरा में डीएम से गए थे, वहाँ ओलावृष्टि हुई है, किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और वहाँ पे किसानों पे ही उल्टे मुकदमे झूठे मुकदमे डीएम साहब ने लिखवाए हैं। हम उसमें विज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दे रहे हैं यहाँ डीएम साहब को। 17 तारीख तक अगर उन डीएम साहब को नहीं हटाया गया तो नहीं तो पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा आंदोलन होगा और 18 तारीख को मथुरा में का घेराव होगा। देखना होगा कि इस ज्ञापन के बाद शासन और प्रशासन के स्तर से किस प्रकार के निर्णय लिए जाएंगे। मुजफ्फरनगर से रोहित त्यागी की रिपोर्ट।